यार तूने तो हमारी जान ही निकाल दी थी यार। क्यों क्या हुआ, पागल है कुछ नहीं हुआ। ऐसे ना बोला कर यार, खराब वक्त का कोई पता थोड़ी होता है। देख भाई, जो इंसान अच्छे होते हैं ना और अच्छे काम करते हैं, वाहेगुरु हमेशा उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर भी ख्याल किया कर यार, तू हमारी जान है यार। कौन? तू के पट्टे वो लड़की? तो क्या हुआ? तू यहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। हिलना मत यहाँ से। मैं कबूतर किसका? आपका? नहीं। तो किसका? सखनी है वो। क्या हुआ, किसने मारा? पता नहीं, जरूर किसी बच्चे ने कोई शरारत करती होगी। लाइए मैं देख लेता हूँ, ये अब कैसा तरह देखता हूँ। दीजिए। नहीं नहीं, अब वो ठीक हो जाएगा। मैंने अभी उसके जख्म पे मट्टी लगाई है। मट्टी? मट्टी क्यों? मेरी दादी कहती थी कि हमारी मिट्टी में बहुत ताकत है। आँख उठी मोहब्बत ने हंगड़ाई ली, आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ। अमर क्या हुआ? कुछ नहीं, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। नूर, नूर बेटा यहां आओ। आई अबू। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम। ये तो मैं इतनी तैयार हूँ कि कहाँ जा रही है? अब वो मेरी स्कूल की सहेली की आज शादी है और उसने बहुत मान के साथ मुझे बुलाया है। तो अबू मैं बस थोड़ी देर के लिए जाना चाहती हूँ। तुझे अच्छी तरह पता है कि ये बातें मुझे पसंद नहीं है। जी अबू, पर बस थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है, मुझे खाना दो, फिर उसके बाद चली जाना। और सुनो, जितनी जल्दी हो वापस आना, अगर देर हुई तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। जी अबू, देर नहीं होगी। नूर,
शुक्र है तू आ गई नूर। मैं कदों से तेरा इंतजार कर रही सा, किथे रह गई सी? यार तुम्हें अब्बू का पता तो है, मैं तो अभी भी पता नहीं कैसे आई हूँ। अच्छा हूँ तू जल्दी ना मेरी गल सुन। अच्छा मुझे थोड़ा रिलैक्स तो कर लेने। नहीं 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 तू मेरी गल सुन, बहुत वड़ा स्यापा हो गया। मेरे ख्वाबों वाली है वो। हेलो वो मेरी सोनिया। मुंह के पट्टे लंगूर के पास इतना बड़ा अंगूर कैसे हो सकता है? अमर है गलत गलेगी वो दिनाल में प्यार कर दा तो भूल जाए से भूल जाऊंगा। समझे तेरी भाभी है। कोई भाभी शाभी नहीं अमर। सोनी रमेश तू सोनी रमेश तू इतने लेकिन अगर तेन किसी ने बाहर वेख लिया तो क्यामत आ जाएगी। छड़ सारे आनू मैं तेरे नाल गल करनी आ। पर किवें? सुनी सुनी गल करनी आ ना। ते कुड़िया कौन है? अंकल वो सोनी की दोस्त हैं, हम उसी को मिलने जा रहे थे। ला ला, आप खुद की ना है ताड़ा? अंकल बेटी। हैं? या क्या? मैं खटी कौर, ते मैं मिठी कौर। आहो आहो, मिलो मिलो। चल ले कुड़िये। सोनी मेरे तो यकीन रख मैं ऐ विआह नहीं होन देना। पर किवें? एक सेकंड रुक। अमर ओ अमर। हाँ हाँ हाँ। ओ यार तू ही तो कहा सी तेरे को कोई हल है, असी भजागे जावांगे की। मुझे क्या पता यार, मैंने तो ऐसे ही कहा था, तेरा इश्क है तू देख। की कहंदा पिया है? सोचता हूँ नहीं, सोचता हूँ। आप बताइए ना, आपके पास कोई आइडिया है? मैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। हाय और अब्बा, आप बोलते भी कितना प्यारा है, हैं? वो अमर वो किथे? मेरे पास एक आइडिया है। उमर हाँ, सोनी एक्टिंग करते रहेगी ना? पे लड़कियां बड़ी मास्टर होती हैं एक्टिंग करने में चूचे। हाँ एक बार देख लेगा ना तो पता चल जाएगा तुझे। किर
आखिर तुम नाम शाहरुख खान हो क्या? तू डीडीएल जगह शाहरुख खान की तरह ए, ए, पलट 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 कर रहा है इडली के पट्टे। ले गई जे जसवंदरिया एक दुर्घटना हो गई जंज नूं हाले डक दे तुम्हें क्या लगता है बहादुर अंकल अब तुम्हारी शादी रमेश से कर देंगे? पागल हो गई हो तुम? ये लोग सब तुम्हारी तबीयत ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही तुम ठीक होगी ना तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। होना सा कुछ नहीं होएगा, वो तो मेरे ते छड़ दे। ते मैनू नहीं पता कि मैं तेरा शुक्रिया अदा किस मुंह तो अदा करा। तू साडी मोहब्बत का साथ दे के सवाब ही कमाया बदली। क्या ये प्यार व्यार वाली बातों से ना मुझे दूर रखो। फिलहाल तो मुझे अब्बू की टेंशन हो रही है, बहुत देर हो गई है, वो बहुत गुस्सा होंगे। सोनी मैं क्या करूं? एक तो ते तेरे अब्बू यार, तू उन्होंने कह दी ना कि मेरी तबीयत खराब हो गई सी। तुझे पता है ना मुझे ये बातें पसंद नहीं है। जब मैंने तुझे कहा था कि जल्दी आना तो फिर क्यों देर की तूने? अब्बू मैंने जान के देर नहीं की, वो तो बस अचानक सोनी की। बकवास बंद कर। सोनी सोनी सोनी, अब तू एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेगी और मैं क्या करूं तेरा? मैं तुझे समझा समझा के तंग आ गया हूं। बस अब मैंने तेरा एक ही इलाज सोचा है, जितनी जल्दी हो सके तेरी शादी करके तुझे इस घर से रुखसत करूंगा ताकि मेरी जिंदगी में भी सुकून आए। उठे भाई आप उठे, शर्म नहीं आती आपको? अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो इस तरह उनकी तजलील तो मत करें। ओ बीबी अपना काम करें, ये लोग तो होते ही ऐसे हैं। आप इस तरह कैसे कह सकते हैं? किसी की क्या मजबूरी है आपको क्या पता, कोई शौक से थोड़ी मांगता है। ओ बीबी ज्यादा लेक्चर ना दो। वे, तेरे से तमीज से बात नहीं हो सकती हा? वो तेरे को सही बात बता रही है और तू ऊपर से। नहीं प्लीज प्लीज आप रुक जाए, लड़े मत। चल माफ कीजिएगा नूर जी, यहाँ के लोग जरा बदतमीज हैं तो बुरा मत मानिएगा इनका। आपका बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल टाइम पे आ गए वरना। नहीं जी ये तो वाहेगुरु की कृपा है जी। सुनिए वो दरअसल आपसे एक बात करनी थी, वो कल रात को जो भी हुआ बहुत बहुत गलत हुआ। उस रात जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, आप दोनों को वो नहीं करना चाहिए था। हाँ सही करेंगे आप, लेकिन नूर जी वो मैं की कीता है, तूने ही तो सब कुछ किया है।
ओए कौन है ये जाहिल? अरे देख के पानी नहीं फेंक सकते क्या? हेलो आप बाहर आ रहे हैं? मैं अंदर आऊं? माफ कीजिएगा, गलती से हो गया। आप यहाँ? हाँ, लगता है किस्मत मुझे यहाँ खींच के लेके आई है आपके पास। बेफिक्र हो जाइए, ये सूख जाएगा। ओ बाजी, तुसी बिल्कुल ठीक कीता हैगा। अगली बारी ना तुसी पानी दी जगह ना तेजाब फेंकना, तेजाब। क्यों क्यों मेरे? ओ हेलो, चली गई? हाँ, अपना तो वक्त ही रुक गया यार। ओ वीरे, अपना नहीं गैरा दा महल्ला है, एवी जूते ना पड़वा दई। चल हुन, ओ चली गई है, चल। ये जमीन जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर बाया जब न था, तब न था कुछ कहीं था मगर तू ही तू। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। सुनिए नूर, देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या बात है? देखिए मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, सीरियसली मैं आपको सिर्फ सॉरी कहना चाहता हूँ। उस रात सोनी मुझे बता रही थी कि हमारी वजह से उस रात आपको खामखा। अगर आप में जरा सी भी शराफत होती ना, इस तरह बीच रास्ते मेरे पीछे ना आते। आप जैसे लड़कों की हरकतों का मुझे अच्छी तरह पता है, और अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत हुई तो मैं लिहाज नहीं करूंगी। अरे मेरी बात तो, शिट, अबू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं, क्योंकि फिर मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। नहीं नहीं तू जा, मैं बाद में खुद ही नाश्ता बना लूंगा। अच्छा सुन, ये तुझे स्कूल से तनख्वाह किस तारीख को मिलती है? ये कोई 10 तारीख को। 10 तारीख को? और आज 13 तारीख हो गई है, मिली है कि नहीं? वो कभी कभी थोड़ी लेट हो जाती है अबू, लेकिन आज मिल जाएगी शायद। अच्छा तू ऐसा करना, इस दफा सारी तनख्वाह मुझे ला कर देना। अबू मैं हमेशा सारी आपको ही ला कर देती हूँ, पर इस दफा मुझे थोड़े पैसे चाहिए दाखले के लिए। फिर वही दाखले के लिए पैसे चाहिए? जब मैंने तुझे एक दफा समझा दिया है कि आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तो मतलब कोई जरूरत नहीं। अब तेरे शादी के दिन है, पढ़ने के नहीं।